धरना दे दौरा हज ज्वेलरी शॉप ते ताबड़तोड़ फायरिंग बदमाश ने दोवे हत्था नाल कीते फायर जाए नुकसान तो वाल वाल रहा बचा। फिरोजपुर के पिंड लूथर नेड़े नहर पिया पार सतलुज तो निकलन वाली बीकानेर नहर टुटी कई एकड़ जमीन च भरिया पानी। कुवैत अग्निकांड च 41 भारतीयों की मौत विदेश राज मंत्री कुवैत रवाना पीएम ने हाई लेवल मीटिंग का ली जानकारी पीड़ित परिवार लई 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। जम्मू कश्मीर चार दिन अतवादियों चौथी मुठभेड़ डोडा च एनकाउंटर जारी दहशतगर्दों मुकाबले पुलिस का एक जवान सख्त डोडा पुलिस ने चार अतवादियों के स्केचिस किए जारी 5-5 लाख का रखा इनाम डोडा के उपरी इलाकों घूमते वेखे गए अतवादी। पीएम मोदी के दौरे तो पहला इटली च तोड़िया गया महात्मा गांधी का बुत खालिस्तान समर्थकों से लग्या इल्जाम भारत ने जताई सख्त नाराजगी इटली सरकार वालों कार्रवाई का भरोसा। पटियाला पुलिस ने 4.5 लाख की ड्रग मनी नाल सरपंच अते उसके साथी नु कीता काबू 100 ग्राम हेरोइन भी बरामद गोइंदवाल जेल च पान नशा तस्कर दे संपर्क सन दोवे। सत श्रीकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करके गल करांगे खन्ना की, जिथे कि खन्ना के दौराहा शरेआम फायरिंग की घटना वापरी है। ज्वेलरी शॉप के ताबड़तोड़ फायरिंग दियां लाइव तस्वीर सामने आई ने। बाइक पर आए दो नकाबपोश बदमाशों के वालों इस पूरी घटना अंजाम दिता गया। बदमाशों ने दोवे हाथ च पिस्टल दे नाल फायर किए। फायरिंग कोई जानी नुकसान हालांकि नहीं रहा, पर ज्वेलरी शॉप से पहला भी फायरिंग हो चुकी है। मौके की सीसीटीवी फुटेज तुसी अपनी टीवी स्क्रीन ते वेख पा रहे हो। बदमाश नजर आ रहे ने, वगदी सड़क है, ट्रैफिक आ जा रही है। इस विचाले एक बाइक आके रुकती है ज्वेलरी शॉप दे विच सामने। एक जो बाइक सवार बदमाश बाइक ते ही बैठा होया नजर आ रहा है, दूसरा हेठा उतरता है। हालांकि मुंह इसने बनया होया है, दोनों हाथों नाल ताबड़तोड़ फायरिंग करके बाइक के पिछे बैठ के मौके तो फरार हो जाता है। तस्वीर ने खन्ना दे दौराहा दिया, जिथे कि एक ज्वेलरी शॉप नू निशाना बनाया गया। हालांकि बेखौफ बदमाशा दे वालों इस पूरी घटना नू अंजाम दिता गया, क्योंकि रात का समा सी। हालांकि दुकाना हाले खुलिया हुई सी, वगदा बाजार है, ट्रैफिक आ जा रही है, कई लोग भी आले दुआले वेखे जा सकते हैं। पर बेखौफ बदमाशा दे वालों आंदे ने ज्वेलरी शॉप के बाहर, बाइक रोकी जाती है, एक बदमाश इंतजार कर रहा है, दूसरा हेठा उतरता है, मुंह इसने रुमाल नाल बनया होया है, दोवे हाथों नाल ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। ताबड़तोड़ फायरिंग करके उत्थे मौके तो फरार हो जाते। देखा जा सकता है कि दोवे हत्था ते इस बदमाश के हत्था च दोवे हत्था च पिस्टल ने, ताबड़तोड़ एक तो बाद एक कई राउंड फायर इस बदमाश के वालों किए गए। हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा है, पर आ तस्वीर ने खन्ना दे दौराहा दिया, जिथे कि बेखौफ बदमाशों के वालों इस पूरी घटना अंजाम दिता गया। फायरिंग च कोई भी जानी नुकसान नहीं होया है। ज्वेलरी शॉप आ उही है, दसी जा रही है कि इससे पहला भी कई बार फायरिंग हो चुकी है। आ तस्वीर ने खन्ना दे दौराहा दिया, कुछ दिन पहला भी तस्वीर सामने आईया सी, जदों की खन्ना च ही लुटेरिया दे वालों रॉबरी की गई सी। एक बैंक में लुटिया गया, 15 लाख की डकैती की गई सी। मेरे नाल मेरे सहयोगी गुरदीप फोन लाइन से मौजूद ने। गुरदीप, जानना चाहवांगे पता चल पाया है कि अब बदमाश कौन ने, पुलिस इन्हों ट्रेस कर पाई है? हालांकि ज्वेलरी शॉप के मालिक का की कुछ कहना है? जी, अजे तक पुलिस ने वालों जांच जरूर शुरू कर दी गई है, पर अजे तक यह नहीं पता लग पाया हमलावर कौन सी। ज्वेलरी शॉप का मालिक भी अजे कैमरे अगे कुछ भी कहने तो इनकार कर रहा है, क्योंकि वो खुद चाहते भी पुलिस की जी जांच है वो पूरी हो जाए, ताकि हमलावर कित दूर ना कि जा सकन। पुलिस वालों लगातार हमलावर की जी पैर नपी जा रही है, पर अजे भी पुलिस हमलावर तो दूर है। पर हाँ, ये भी भरे बाजार के अजे वारदात हो जाना अपने आप के कई सवाल निशान खड़े करता है। पायल पुलिस लगातार हमलावर की तलाश लगी हुई है। गुरदीप, इस तो पहला भी ऐसी ज्वेलरी शॉप पे फायरिंग हुई है, उस वेले इन्वेस्टिगेशन की कुछ सामने आया सी? जी, पहला भी इस तो पहला भी ज्वेलरी शॉप के जो मालिक थे उन्होंने हमला हो चुके हैं, तो हूँ उन्होंने बेटा जोड़े वो अंदर से, तो उस तो बाद हूँ हमला होना यह भी जांच का विषय बनता। हजे तक उस पहलू भी बिच रखा जा रहा है, पर हजे तक पुलिस खाली नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप, सानू तमाम जानकारी देने लिए। पुलिस के वालों तमाम इस मुद्दे ते मसले ते इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। हालांकि हुण तक इन्हां बदमाशा दा कोई थौ पता नहीं चल पाया है, पर पुलिस के वालों तमाम कोशिशां जारी ने। सीसीटीवी फुटेज आले दुआले दे भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि छेती तो छेती इन्हां बदमाशा तक पहुँच की जा सके। ये अंदर जोड़े राउंड ने सारे बाहरों फायर किए गए हैं, किसी अंदरों ज्यादा नुकसान नहीं होया।
दुकान का शीशा टूट गया है। सर लग गया पता कि किस कारण में गोलियां चलाई गई हैं? नहीं हाजी वो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सर गल कर दें, जिस तरह के थोड़ा समय पहला भी कुछ साल पहला भी फायर हुई थी इन्हों की दुकान पर, इन्होंने पिता जी से की कहना चाहोगे, ये मामला उस ना जोड़ा जा सकता? दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, असी वो पक्ष भी जोड़ा है ड्यूरिंग। अगे वधंगे गल करांगे मोहाली दे फेज 9 दी, जिथे कि दिन दिहाड़े गुंडागर्दी दीआं तस्वीरां सामने आईआं ने। दिन दिहाड़े एनजीओ दे दफ्तर ते हमला कीता गया, एनजीओ दे दफ्तर च वड़ के शख्सी गुटबाजी कीती। मौके दी लाइव वीडियो सामने आई है ते हथियारां ते डंडियां नाल हमला कीता गया। हमले दी लाइव तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो, साइन बोर्ड लगाउण लैके दरअसल पूरा विवाद होया। पुलिस हमला करन वाले लोकां नूं हालांकि राउंड अप कर हुण गल लुधियाणा दी, जिथे कि लुधियाणा च होटल कारोबारी ते हमला कीता गया। अणपछातिया ने हथियारां नाल हमला कीता, कारोबारी नूं कमरे च बंद करके उसकी बुरी तरीके नाल कुटमार की गई। कारोबारी अते उसदा साथी गंभीर रूप नाल जख्मी होए ने, जिहड़े इलाज लई हस्पताल च भर्ती ने। हालांकि पार्टनर ते ही हमला करवाउण दा इल्जाम जो है वो लगाया जा रहा है। मौके दी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। लुधियाणा दा कारोबारी दस्सिया जा रहा है। अणपछातिया दे वल्लों इस पूरी घटना नूं अंजाम दित्ता गया। हथियारबंद अणपछाते बदमाश उत्थे पहुंचे सी ते अंदर कमरे च वड़ के कारोबारी दी कुटमार की गई। हालांकि साथी दी भी कुटमार की गई, जिहड़े इलाज ने हस्पताल च भर्ती ने। ते कारोबारी अते उसदे साथी दा शक है कि पार्टनर दे वल्लों ही आ पूरा हमला करवाया। किसी होर दा होटल दा कोई पार्टनर इन्हां कोल आया ते कल्ला आया, ये चार पांच जाने बैठे सीगे, कल्ला देख के मुड़ गया कि चार पांच जाने आ। मुड़ के 10 मिनट बाद वह 10-12 जाने लैके आया ते ये दो बंदिया दे हमला करता, मेरे ब्रदर ते अमित कक्कड़ ते इहदे पार्टनर ते मुरली ते। इन्हां दे काफ़ी गंभीर सट्टां मारी गईयां, इन्हां दे दांत मारे गए, इन्हां दे सिर ते राडां मारी गईयां, पिठ ते बैल्टां मारी गईयां, लत्तां नाल कुट्टिया गया। 10 तो 15 मिनट कुटिया गया कमरा बंद करके, जो सारा सीसीटीवी दे विच आया जी। मैं अपना होटल ते मौजूद सीगा फिरोजपुर रोड ते, ओह मेरा पार्टनर सीगा, ओह आया 10-12 बंदिया नाल आके, उन्हें आंदे ही कोई गलबात नहीं की, 1 मिनट बैठा ना ही उन्हें हमला करता। मैं पुछदा गया मैनू क्यों मारदा पिया, कहिंदा नहीं मैं तैनू रीज़न बाद च दसांगा, तैनू मैं मारना है। कहिंदा मैं कहा की कोई गलत दस क्यों मारदा पिया, कहिंदा नहीं नहीं मैं तैनू मारना, ओह मैनू मार ही गया, उन्हां ने कोई नशा भी। गुरदासपुर च हैरोइन ते ड्रग मनी दे सने पिंड दा सरपंच पुलिस दे वलों काबू कीता गया। पुलिस ने पिंड दे सरपंच ते उसदे साथी नूं चरियाम काबू कीता है। गुरदासपुर दे पिंड ग्रंथगढ़ दा सरपंच दस्सिया जा रहा है, जिसे पुलिस ने काबू कीता है। पुलिस ने गुप्त सूचना दे आधार ते कार्रवाई कीती, स्कूटी सवारां नूं रोकिया, उन्हें तलाशी ले गई ते तलाशी दौरान मुलजमां नूं 4,80,000 दी ड्रग मनी बरामद कीती गई, तो नाल 100 ग्राम हैरोइन भी बरामद कीती गई। गोइंदवाल जेल च बंद नशा तस्कर दे संपर्क सन दोवें ही मुलजम, जिन्हां नूं पुलिस दे वल्लों काबू कर लिया गया। डीएसपी रविंद्रपाल सिंह दी हदायतां ते आपां बटाले दे भैड़े पुरशां दी तलाश सरबंध च रवाना सी, जिथे सानूं मुखबिरां ने सलाह दित्ती कि बटाला ग्रंथी दे एरिए चों इह हीरोइन दे पैसे ते हीरोइन देण लई 100 फुट 60 फुट रोड शाहबाद लागे इकट्ठे हो रहे हैं। उत्थे एक्टिवा समेत इन्हां नूं अहीं गिरफ्तार कीता, दोवां जणिआं जिन्हां चों इक दा नां सेवक है, दूजे दा लवजीत आ, इह सरपंच आ जी पिंड दा, ते इह ग्रंथगढ़ पिंड दे नाल।